नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज युग। मैं मानसी माथुर। वर्ल्ड कप का खुमार जोरों शोरों पर है। बल्ला कांड का मामला भी शांत हुआ ही नहीं था, अब विकेट कांड के मामले ने मध्य प्रदेश में तहलका मचा दिया। आइए जानते हैं कैसे और कब हुआ ये विकेट कांड। जानकारी के अनुसार मामला सतना के रामनगर का है, जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बेरहमी से पीटने का आरोप बीजेपी के एक नेता पर लगाया जा रहा है। दरअसल सीएमओ का कसूर सिर्फ यह था कि उन्होंने अध्यक्ष के करोड़ों के घोटाले की शिकायत की थी, जिससे अध्यक्ष अब 8 करोड़ के घपले के मामले में जमानत पर है। मामले में बीच बचाव करने आई कई पार्षद भी पिट गए, जिसमें से 3 महिलाएं पार्षद थी। पीड़ित अधिकारी को रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा ही कुछ भोपाल में हुआ था, जिसमें भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय को शनिवार को विशेष अदालत ने जमानत दी। 2 दिन पहले इंदौर जिला के विशेष न्यायाधीश बीके द्विवेदी ने इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के जुर्म में विधायक आकाश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब ऐसे मामलों में देखना यह है कि कार्रवाई नेताओं पर भी उसी प्रकार होगी जैसे आम इंसान पर होती है, या फिर नेताओं का जोर पुलिस अधिकारियों पर भारी पड़ेगा।